खेलों में सबसे ज्यादा मेडल देश की झोली में डालने वाले हरियाणा के खिलाड़ी खफा दिखाई दे रहे हैं। ये खिलाड़ी हरियाणा सरकार से खफा है, जिसका कारण है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास की सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों का 3% कोटा खत्म करना। बाल करो, बाल करो, बाल करो। हमारा अधिकार लेके रहेंगे। विदेशी जमीन पर अपने तिरंगे को लहराने वाले हरियाणा के खिलाड़ी इन दिनों सरकार से खफा दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों की क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 में खिलाड़ियों का 3% कोटा खत्म करने को कहा है। अब इसी बात को लेकर ये खिलाड़ी सरकार से खफा दिखाई दिए। भिवानी बॉक्सिंग क्लब में तो खिलाड़ियों और कोच ने रोष स्वरूप नारेबाजी तक की। क्लब के संरक्षक ने कहा कि देश को सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ी दिलवाते हैं, ऐसे में खेल कोटा खत्म करने के बजाय बढ़ाकर 6% करना चाहिए। देखो, बड़ा दुर्भाग्य है कि हरियाणा प्रांत एक ऐसा प्रांत है, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी प्रांत हैं सबसे ज़्यादा रुवाड़ी यहाँ हैं। ओलंपिक का अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से जाते हैं, जो किसी खेल के भी हों, और आप जितने भी खिलाड़ी हैं जिनके मेडल आए हुए हैं उनकी तुलना कर लो तो भी हरियाणा सरकार को सोचना चाहिए था लेटर जारी करने से पहले कि हम इनका खेल में जो कोटा नौकरियों हटा रहे हैं। तो मानता हूँ इसे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सब मिलकर जो विपक्ष है या जो पक्ष के आदमी है, जो MLA हैं, उनका ही फर्ज बनता है, क्योंकि नशा को सिर्फ खेल ही रोक सकता है। फेज पे खबर लगी हुई थी कि हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों का जो नौकरी में 3% आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया है। ये इसकी अभी विधिवत घोषणा हुई है। वैसे तो इस सरकार ने पिछले 7 साल से खिलाड़ियों को कोई तहरीज नहीं दी है, खाली स्टंटबाजी और पेपरबाजी की है, क्योंकि इसने जो नौकरी देने का वादा किया था सरकार ने, खाली खेल विभाग में किसी को प्रशिक्षक लगाया है, एक हमारी जूनियर की विश्व, ये जो हमारी जो सोनिया है सीनियर की विश्व की रजत पदक विजेता है, इसको जूनियर कोच की नौकरी दी गई है, किसी को डिप्टी डायरेक्टर लगाते हैं, डिप्टी डायरेक्टर कितने हो सकते हैं खेल विभाग में। और वहीं खिलाड़ियों का ये भी कहना था कि खिलाड़ी पहले ही नौकरियों की कमी से जूझ रहे हैं, अब अगर ये कोटा खत्म होता है तो नौकरी खिलाड़ियों को नहीं मिल पाएंगी। सरकार ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। प्रदेश में इतने खिलाड़ी हैं, उनको पहले ही इतनी नौकरी नहीं मिल रही थी कि सबको नौकरी मिल सके, लेकिन अभी सरकार ने जो 3% कोटा था वो भी ख़त्म कर दिया है, तो हम इस बात से बहुत निराश हैं। खिलाड़ी माँ बाप से पैसे लेता है अपने खर्च के लिए, और बहुत ही कम खर्च से वो अपने आप को देश के लिए एक होनहार खिलाड़ी बनाने की कोशिश करता है, और सरकार से उम्मीद करता है कि जल्द से जल्द मतलब उसको नौकरी मिले और वो अपने परिवार का और देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन इस सरकार ने अब जो खिलाड़ियों को जो नौकरियों से जो उम्मीद थी उसको बिल्कुल तोड़ दिया है। 3% जो कोटा खिलाड़ियों को मिलता था वो भी बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब इन खिलाड़ियों और कोच को नौकरियों में खेल का कोटा खत्म करने का फैसला हरास नहीं आ रहा है, हालांकि सरकार ने इस पर अपना स्पष्टीकरण भी दिया है। देखने वाली बात यह है कि अब खिलाड़ियों की नाराजगी को क्या सरकार आने वाले वक्त में दूर करती है, या फिर इन खिलाड़ियों को कुछ बातों से समझाया जाएगा। जगबीर भंगस, भिवानी, खबरें अभी तक।